हेलो फ्रेंड्स, यम्मी एंड हेल्दी किचन में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि पास आ रहे हैं तो आइए आज हम उसके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनकर तैयार होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 मीडियम साइज़ के आलू, 3 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा जो घर में हमारे पास नॉर्मल गोला जो रखा रहता है आप उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, क्रश किए हुए बादाम, काजू एंड किशमिश। नट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से। और ये मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है और ये जीरा। तो ये सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से रखते हैं लास्ट में। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आलू को धुल के अच्छी तरह से इनको जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं उस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से कट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से धोकर इसका सारा पानी किसी छलनी की हेल्प से निकाल देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तरह पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम एक कुकर लेंगे। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें हमने ये 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें ये अपने पोटैटो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी में अब हम शुगर डालकर बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको बंद करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसको आधी सीटी आने तक गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। आधी सीटी आने के बाद हम गैस बिल्कुल बंद कर देंगे। आलू हमारे बनकर तैयार हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, तो इसमें बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं है। अब हम इसमें ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। इसी में हम अपने नट्स भी ऐड कर देंगे। शुगर अगर आपको कम लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 टेबल स्पून और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आलू जब पकते हैं तो उसमें पानी रह जाता है। आप उसको कुकर को खोलकर फिर उसको दोबारा से मीडियम फ्लेम पर पका दें। अब लो कर दें और इसमें नट्स वगैरह डालकर अच्छे से एक दो बार चला लें। तो हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और ये देखिए हमारे पोटैटो रेडी हैं। गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। देखिए हमारे स्वीट पोटैटो 5 मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इसमें कोई भी हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।